नाहरगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सफाई कर्मचारी को 7 महीने का वेतन व बिना सूचना के काम बंद करने के विषय में आज सभी सफाई कर्मचारियों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने धरना दिया, साथ ही अपनी मांगे रखी। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि लगातार 7 महीने से हमें हमारा वेतन नहीं मिला, जिससे हमें परिवार चलाने में बहुत संकटें आ रही है और ऊपर से इस कोरोना महामारी से सारा काम ठप है। अतः हमारी मांग है कि हमें 7 महीने का वेतन वापस दिया जाए, साथ ही फिर से काम पर लगाया जाए, जिससे हम हमारे परिवार का पालन पोषण कर सके। हमने सर बोला के 7 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई हमारी। 7 महीने से हमने बोला कि सर हमारे को तनख्वाह दिए जाए, हमारे परेशानी आ रही, आटा कोई नहीं घर में, कोरोना की वजह से तनख्वाह ही नहीं मिल रही, दे ही नहीं रहे आप, खाए क्या हम सर? तनख्वाह लेने गए तो सर ने बोला कि आगे से आई कोई नहीं, हम क्या करें, काम करना हो तो करो तो बंद करो। ने पुलिस को बुलाया, उन्होंने हमारे को धमकी दी कि पुलिस ले जाओ, उन बुला ली यहाँ पे, और पुलिस भी 2 बार सुना गई हमारे को, ने बोला कि ले जाओ उनको, पुलिस वाले पकड़ के ले जाओ उनको, ऐसा बोला गया। ने हमारे को काम दिया जाए वापस, और काम के देने के बाद में हमें काम पर लिया जाए, ना हमारी तनख्वाह दिए जाए। हमें वेतन ना मिलने के लिए ना मिला, इसलिए हमने धरना दिया। तो धरना इसलिए दिया कि हम वेतन लेने गए सर के पास, तो सर ने हमारे को बोला कि अभी वेतन नहीं आया आगे से। तो हम कोरोना काल में हम काम कर रहे हैं, तो ये हमारे बाल बच्चे हम कैसे पालें, और ऐसे कोरोना में हमने 7 महीनों से काम किया अभी, तो उसका वेतन दिया ही नहीं, तो हम बच्चे बच्चे कैसे पालें। ने इसी कारण हम मांगने गए वेतन सर के पास, तो सर ने बोला क्योंकि थाने वालों को बुलाया कि इनको उठा के ले जाओ, तो हमें उठा के ले गए सर। आगे क्या मांगे आपकी? हमारी मांग है कि हमारा वेतन दिया जाए, 7 महीने का वेतन है हमारा, 7 महीने का वेतन दिया जाए और हमारे को काम पे लगाया जाए। ये जो सफाई कर्मी की पोस्ट है, ये जो है आउटसोर्सेस द्वारा गवर्नमेंट ने की है, जिसका भुगतान भोपाल से सिक्किम होके आता है। इसमें जो है गए साल मार्च तक की नियुक्ति थी, उसके बाद में जो है नए सिरे से नियुक्ति करना थी, अभी तक नियुक्ति हुई नहीं किसी की। कोरोना की वजह से जो है शासन की तरफ से कोई निर्देश अभी तक प्राप्त नहीं है कि इसको रखा जाए कि नहीं रखा जाए। इसके अलावा भुगतान जो है, इसके लिए हमने बार बार जो है गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी किया है, CMHO को भी कहा है, SDM को भी कहा है, और भोपाल में शासकीय स्तर पर जो है वहाँ पे भी इन लोगों ने प्रदर्शन किया था, तो वहाँ पे भी CM ने इनको आश्वासन दिया है, अब ऑर्डर की प्रतीक्षा है, कब मंजूर हो जाए। उनका आरोप है कि पुलिस को भी बुलाया और उनके साथ बदतमीजी की। पुलिस को इसलिए बुलाया गया क्योंकि ये जो डिलीवरी केस में जो कर्मचारी नहीं उठते यहाँ पे, उसको ये लोग आने नहीं दे रहे थे, उसको रोका कि तुम काम नहीं करोगे। अब ऐसी स्थिति में डिलीवरी और इमरजेंसी केस को अपन रोक नहीं सकते हैं, तो जो काम करना जरूरी रहता है, ये गेट पे खड़े हो गए सबको, जो यहाँ पे परमानेंट कर्मचारी उसको आने से बाधा कुछ बंद कर रहे थे, तो पुलिस ने आके उनको समझाया, यदि आप लोग ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे या रुकावट करेंगे काम करने से, तो हम सबके खिलाफ 353 में कार्रवाई करेंगे। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट।